सत्याकाल मैं अर्शदीप संधू न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत एक वड्डी खबर दे नाल करदे हां। जीरा शराब फैक्ट्री नूं लैके वड्डी खबर है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई है। एनजीटी नूं नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नूं रिपोर्ट सबमिट की गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वलों ते फैक्ट्री के आले दुआले का या फिर फैक्ट्री के अंदर जो बोरवेल लगे हुए ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੋਰਵੈਲ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। 29 ਬੋਰਵੈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਵੈਲ ਤੇ ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 12 ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 5 ਹੋਰ ਬੋਰਵੈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਟੌਲ ਰੋਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੀ जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उस तो 4 गुना ज्यादा मात्रा पाई गई है। पिंड दे बोरवेल दे विच मैगनीज दी मात्रा ज्यादा पाई गई है जो तय मापदंडा तो 3 गुना ज्यादा है। नेड़ले पिंड महियावाला कलां दे 250 मीटर तक डूंघाई वाले बोरवेल च सिलेनियम मैगनीज ते आयरन वर्गे तत् तय मात्रा तो ज्यादा पाए गए ने। बिना इजाजत फैक्ट्री दे अंदर बोरवेल लगे हुए ने। बोरवेलों नूं लैके फैक्ट्री दे मुलाजमां तों अधिकारियां तों अफसरां तों जदों दस्तावेज मंगे गए कि परमिशन तुहानूं किसने दित्ती है, किन्नियां दी इजाजत है, तां उन्होंने कहा कि 4 दी इजाजत असीं लई होई है। लगे 10 होए सी, लेकिन वह जिहड़े 4 जिन्हां दे लई उन्होंने कहा कि इजाजत साडे कोल है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड तों साडे कोल इजाजत है, तां वह भी इजाजत दे दस्तावेज हाले तक CPCB नूं दित्ते नहीं गए। वह इजाजतनामे सांझे नहीं कीते गए। बोरवेल जो अंदर लगे हुए सी उन्हां दी जांच कीती गई। बाहर वख वखरे जिहड़े पिंड ने उन्हां च बोरवेलां दी पीजोमीटरां दी जांच हुई, जिस तों इह पाया गया कि इत्थे पाणी पीण लायक नहीं है, वरतों लायक नहीं है। स्थानक प्रशासन नूं भी निर्देश दित्ते गए ने कि इत्थे जिथे जहरीला पाणी पाया गया है इसकी कोई वरतों ना होवे, इस नूं असर्टन कीता जावे। साडे नाल MP जसबीर डिंपा जुड़े ने, खडूर साहिब दे MP ने। सर स्वागत है न्यूज 18 पंजाब ते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी डूंघाई दे नाल जांच होनी चाहिए है या होर तकनीकी जांच होवे कि ए जिहड़ा पोल्यूशन है, ये जिहड़ा पानी जहरीला होया, ये किवें जहरीला होया, इस रिपोर्ट नूं किवें देख रहे हो तुसीं? देखो सब तो पहला तो मैनू अफसोस है कि इन्नी देर पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ते होर जिहड़े अदारे आ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लोग कई महीनों तो जिहड़े लोग ने धरने दे उत्ते उन्हां नूं बहना पिया। उस तो बाद भी मैं खुद एनवायरमेंट मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट उन्होंने मिलिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने मिलिया, उतों कमेटी बनवाई। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਤਾਂ ਟਿਊਬਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ, ਉੱਥੇ 25 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਇਨਾਈਡ, ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, सल्फर, इथों इन्ने खतरनाक पदार्थ हुण जिहदे अंदर साइनाइड की 4 गुणा तो वध लिमिट चलेगी, उहनू कैंसर अज नहीं ते कल होना ही होना वा। सो इह इन्ना हालात नाजुक ने ते मैनू नहीं समझ आउंदी वी साडे प्रशासन नूं नींद किदां रात नूं आउंदी होगी। इह वी ते लोकां दे धी पुत ने जिहड़े अज इन्हां बीमारियां दे नाल मर रहे आ। मेरी मैं इस जिहड़ी रिपोर्ट आई आ मैं स्वागत करदा, कुछ सच अगे आया। असी इंडस्ट्री दे खिलाफ नहीं, असी चाहुंदे आ इंडस्ट्री लगे पंजाब च, वाधू इंडस्ट्री लगे, पर लोकां दी सेहत ना खिलवाड़ ना करे। इहदा इन्हां ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लाउणा इन्हां दा बणदा, पर इन्हां ने कोई भी इहो जिहा प्लांट लाया नहीं, ना उहनूं चलाया, जे लाया ते उहनूं चलाया नहीं। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਰ। ਜੀ ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਟਿੰਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई है जो एनजीटी नू जिहड़ी है वो सबमिट कराई गई है। एनजीटी की अपनी सुनवाई भी एक दो दिनों दे विच होण वाली है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नू उन्होंने निर्देश दिते ने कि इहदी डूंघाई दे नाल तकनीकी जांच होवे कि इस सब दे कारण की ने। रिपोर्ट यह तो साफ कर रही है कि यह वखो वखरियां थावां ते बोरवैलां दी पीजोमीटरां दी जांच हुई ते उत्थे पानी जहरीला पाया गया। किसी जगह दे उत्ते साइनाइड की मात्रा एक्सेप्टेबल लिमिट तो चार गुणा ज्यादा पाई गई है। फैक्ट्री दे अंदर जो बोरवैल लगे हुए ने उस दे विच आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा पाई गई है ते ए जड़े इलाके जिथे जांच हुई है इत्थे पानी पीण लायक नहीं है। ए जांच की गल होर डूंघाई नाल जांच की गल सीपीसीबी आख रहा है ते बहुत सारिया होर भी जिहड़े निर्देश ने या रेकमेंडेशनस ने दित्तियां गईयां ने। सब तो बाद सरकार इस सब नूं किवें देख रही है, तुसी खुद एक एनवायरमेंटलिस्ट हो, तुसी इस सब नूं किवें देख रहे हो? जो भी अगे भी जिहड़ियां रिपोर्टां आईयां सिर्फ सारियां लैबोरेटरी रिपोर्टां, अगे भी किसी दी उहदे उत्ते जिहड़ी हैगी है टीका टिप्पणी नहीं। जिहड़ियां हुण भी जिहड़ियां रिपोर्टां आईयां जो भी रिपोर्टां दे आधार दे उत्ते जे कोई इंडस्ट्री गलत करदी है उत्ते सख्त तों सख्त कार्रवाई होनी चाहीदी है। किसी नूं कोई हक नहीं क्योंकि इहदे पीण पाण वाले पानियां दे विच जहर जां इहो जिहा धातां जिहड़ियां हैगियां कोई मिलावे। पर जिहड़ी गल असीं दसणा चाहुंदे हां कि इह जिन्नियां रिपोर्टां पहलां भी आईयां पहलां भी इही आ कि पानी पीण योग नहीं, इत्थे दा पानी माड़ा वा, इत्थे दा पानी खेती ते भी जिहड़ा हैगा पहली रिपोर्ट विच भी आया। सवाल ने इस दे नाल जुड़े हुए, एक तो यह जिवें तुसीं जिक्र कर रहे हो कि इस ते पहलां भी कई रिपोर्टां आ चुकियां ने ते सारियां रिपोर्टां च जिक्र यही है कि यह पानी वरतों योग नहीं है, जहरीला पानी है, पीण लायक नहीं है, वरतों योग भी नहीं है। जे यह रिपोर्टां यह कहिंदियां ने तां इस ते फिर डूंघाई दे नाल जांच क्यों नहीं हो रही या कौन कर रहा है? संत बलबीर सिंह सीचेवाल का संपर्क टुट गया, असीं कोशिश करते हैं जो दोबारा उन्होंने नाल संपर्क हो सकता है। सवाल इत्थे यही बन जाता है कि फिर डूंघाई दे नाल जांच कौन कर रहा है, जो जिक्र सीपीसीबी ने किया है। सीपीसीबी की कुछ दो तीन दिन पहला दी ही रिपोर्ट है। जसबीर सिंह डिंपा साडे नाल जुड़े हुए ने। डिंपा जी, सवाल यही उठता है कि डूंघाई दे नाल जांच केड़ियां एजेंसियां करनगियां? पीपीसीबी नूं एक निर्देश तो दिता है जी। देखो मैम, पहला मैं कलैरिफाई कर देना चाहुंदा, इस 5 किलोमीटर रेडियस नहीं 15 किलोमीटर रेडियस का पानी खराब हो चुके हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ 250-250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। जी डिंपल जी जुड़े रहना साडे नाल, सीचेवाल जी दोबारा जुड़ चुके ने। सीचेवाल जी सवाल यही सी जिवें तुसीं जिक्र कर रहे सी कि पहला भी रिपोर्टां आ चुकियां ने ते उस दे विच जिक्र यही होया कि जहरीला पानी है, वरतों लायक नहीं है, लेकिन कारण की फैक्ट्री है यह सामने नहीं आया। सीपीसीबी दे जिहड़े नुमाइंदे ने वह भी कह रहे हैं कि कारण सामने आना चाहिए, इसकी डूंघाई दे नाल जांच होवे। जे पहला भी रिपोर्टां आईयां ने तो डूंघाई दे नाल जांच क्यों नहीं हो रही? जसवीर टिंपा कह रहे ने कि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक क्लीन चिट दे के आ गया सी फैक्ट्री नू ते उन्होंने ही निर्देश दिए थे। दूसरा सीचेवाल जी, मामला अदालत दे विच भी पहुंचा होया, जिवें लगातार इस ते सुनवाई हो रही है ते हुण हाईकोर्ट ने पीपीसीबी नूं स्पीकिंग ऑर्डर पास करन दे लई भी कहा है कि तुसी फैक्ट्री नूं भी सुनवाई दा मौका दिओ। दूसरे पासे मुख्यमंत्री कह चुके ने कि असी फैक्ट्री बंद कर रहे हां। सीचेवाल जी दे नाल संपर्क दोबारा टुट गया है। तो यह पूरा मामला है जीरा शराब फैक्ट्री दे नाल जुड़िया होया, जिथे लगातार किन्ने ही महीनों तो धरना जारी है। डिंपा जी आखिरी कॉमेंट जावांगे, सीचेवाल जी कह रहे हैं कि भावें पीपीसीबी के अधिकारी ही होण जे ओह क्लीन चिट दे के आए ने, सीपीसीबी कह रहा है कि पानी जहरीला है तो उन्हां ते भी कार्रवाई होवे। बिल्कुल होनी चाहिए, पंजाब सरकार नूं इत्थे फौरी तौर ते कार्रवाई करनी चाहिए। मैम किसे नूं हक नहीं गा, इन्हां ने फैक्ट्री वालिया ने धरती मां का सीना पाड़ के 25 वड्डे चौड़े बोरवेल करके जो गंद बंद धरती मां दे सीने दे विच पाया, वजर पाप आ। ये तो गुरु नानक साहब ने भी धरती को मां का जेड़ा रुतबा दिता है। ते जे साडी जमीन साडा पानी साडी आबो हवा जिन्हां ने गंदली की है, जिन्हां ने जहर ओहदे विच घोलिया, पक्षे नहीं जाने चाहिए। एंड मैं एक कमिटमेंट की उन्हां लोकां दे नाल कि मैं खीर तक ये लड़ाई लड़ूंगा जदों तक इन्हां नूं ये दंड नहीं मिल जाता जो इन्हां ने फजर पाप किया। जी शुक्रिया डिंपा जी साडे नाल जुड़न दे लई। तां इह जसबीर सिंह डिंपा साडे नाल जुड़े सी, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खडूर साहिब तो। दूसरे पासे साडे नाल राज्यसभा मैंबर बलबीर सिंह सीचेवाल जुड़े सी, जो कह रहे ने कि जो भी जसदी भी नाकामी है या किसी की मिली भुगत है उन्हां सब ते कार्रवाई होनी चाहिए है, भावें वह पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ही अधिकारी हों जो क्लीन चिट दे के आए ने। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कह रही रिपोर्ट कह रही है कि पानी जहरीला है तो उन्हां ते भी कार्रवाई होनी चाहिए है। तो यह पूरा मामला है जीरा शराब फैक्ट्री के नाल जुड़िया होया। नेड़ले पिंडां दे लोक अजे भी उस फैक्ट्री के बाहर धरने से बैठे हुए ने, फैक्ट्री बंद करन की मंग कर रहे ने। मुख्यमंत्री दे वल्लों ऐलान कर दिता गया सी फैक्ट्री बंद करन दा, लेकिन लिखती उसदे नोटिफिकेशन दा इंतजार कर रहे ने। इस विचाले इस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दी रिपोर्ट ने कई सारे खुलासे कीते ने।